है, स्क्रू और ये सेंडिंग पैड, ठीक है। अब इसका अगर आपको पूरा खोलना है तो पहले ये बेस प्लेट फाउंडेशन हटाना है, डिस्क पूरा निकालना पड़ेगा। ये डिस्क निकालने के लिए आपको ये पूरा स्क्रू ओपन करना है। ये उसी का उसमें डाल दो, प्रेशर वाशर का है, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया अपना, ये गिरा रही है, गियरबॉक्स, ठीक है, ये गिरा रही है इसमें। हाँ अच्छा, ये इसी पे चलती है, इधर देखो, ये हो गई आपकी गिरा रही, हाँ गियर, गियरबॉक्स, बिग 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 गियर, बिग गियर, हाँ ठीक है। इसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है, हाँ ये मोस्ट है स्प्रिंग, हाँ ठीक है। ये हो गया आउटपुट सॉफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, आप इसमें चोट मारोगे ये निकल के बाहर भाग जाएगा, ये शाफ्ट इतना बड़ा है कि नहीं, ये आप निकालोगे तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें यहाँ पे चोट मार लेते हैं तब जाके ये बाहर हो जाएगा। अच्छा, फिक्स हो रहा बैरिंग है ना, फिक्स हो रहा होगा कवर में, फिक्स हो रहा है, समझ गया समझ गया। मैं अब अपन चोट मारेंगे ना, बहुत ज्यादा चोट मारनी पड़ेगी निकालने के लिए, इसमें छुड़ी तो नहीं है यहाँ पे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, हथौड़ी से चोट मारनी पड़ेगी तो निकल जाएगा बाहर। बाहर निकलने के बाद में आपका ये आउटपुट शाफ्ट ये बाहर आ जाएगी, गियर बाहर आ जाएगा, गियर बॉक्स बाहर आ जाएगा, किसी पे रख के वगैरह ऐसे पहले जी, और मोह पानी लाओ निकालना है, मेरा वो व्हाट्सएप पे डाल देना, इसका तो भी याद रखना है, ये बाहर खाली निकालना, ठीक है, ये टूट नहीं जाए, इसका कारण खोलो इनको, ये कार्बन है समझ लो, जैसे ग्लेंडर होता है, कार्बन आपका है इसमें ओपन ही चेंज हो जाएगा, हाँ ये हम कर देते हैं, ठीक है, ग्लेंडर में होता है ना ऐसे जो ग्लेंडर काटने कटाई वाला, हाँ। तो बेमल जी इसको ज्यादा दाब दे के नहीं खोलना है ना, कसम हल्का सा, हल्का सा, ठीक है, ये तो इशारों में खुलते हैं, हाँ। अभी क्या है कि ये अगर आप इधर खोलिए पूरा, ये बोल रहे ये क्या है, एक मिनट कोई लोग हाँ ये चीज है, ये है इसका ओपन इंटीग्रेटिंग ब्लॉक एलईडी के लिए, एलईडी के लिए, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच, और ये ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच है ये एलईडी का, आपका ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच है मशीन के लिए, एचएच स्विच, एचएच, एचएच, इसका अंदर ये लॉक करने वाला, ये एक ये कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर, ठीक है, ये क्या है जी, ये है आपका स्पीड रेगुलेटर, स्पीड रेगुलेटर, ठीक है, एक ये फैन होता है, स्पीड रेगुलेटर इसी में जॉइंट फिट होता है, ठीक, ये पूरा वायरिंग इसका, हाँ ठीक है, रोटर हो गया, रोटर, ठीक है, स्टेटर, रोटर, स्टेटर, रोटर, कार्बन होल्डर, ये तो इसका एम्पलर है, ये ब्लोअर फैन अलग है इसका, ये बैरिंग हॉस, ठीक
इसमें डबल एम्पलर होता है, ये इसमें डबल फैन होता है। इसको आपको निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लॉक लगा इसमें आगे, इसमें ये पूरा स्प्रिंग निकालना है इसका, ये स्प्रिंग लगा है इसमें, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इसका ये गत्ता सा निकल जाएगा, गत्ती निकल क्या है, गद्दी गद्दी निकल जाएगा। इसमें एक लॉक लगा हुआ है बैरिंग के ऊपर, ठीक है, वो हाँ वो लॉक आपका वो जो बैक प्लस प्लस उससे पकड़ के खींचना, नॉक प्लस या बैक प्लस से ये निकल जाएगा, ठीक है, बैरिंग फ्री हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे बैरिंग कूलर लगाना और ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये एम्पलर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये रोटर अलग हो जाएगा, ये बैरिंग निकालना है और ये रोटर चेंज कर, जैसा कि ये चला हुआ है दिख रहा है हमारे कंडीशन, ठीक है, यूज हुआ हुआ है, मतलब ये इसका एक ही वो है।